नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना इंडिया और मैं हूं आपके साथ जय सिंह। दिल वालों का शहर कहे जाने वाले दिल्ली का दम इन दिनों बहुत जोर से घुट रहा है। सुबह उठकर देखिए तो अंधेरा छाया मिलेगा, शाम को देखिए तो वही हालात। हर शहर गली कूचे सब जगह एक जैसा ही देखने को मिल रहा है। हवा के साथ धूल के कारण धुआं इतना ज्यादा है कि लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। प्रदूषण कितना खतरनाक है दिल्ली में, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि यहाँ मजबूरी में कॉलेज स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कारखानों में छुट्टी कर दी गई है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन हाँ, आप दिल्ली का ये सच जरूर जान लीजिए। सच ये है कि यहाँ घर के अंदर लोग मास्क लगाने को मजबूर है, यहाँ तक कि लोग मेट्रो के अंदर भी मास्क लगाकर यात्रा कर रहे हैं। अब जरा आंकड़ों की बात कर ली जाए तो दिल्ली में दिवाली के बाद से रोज AQI 500 का आंकड़ा सू रहा है, कहां कहां तो ये 700 पर पहुंच गया है। आनंद विहार, मुंद्रिका जैसे इलाकों में लोग बहुत ज्यादा परेशान है। अब आपको AQI 500 होने का मतलब समझाते हैं। AQI 500 का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि जब आप सांस ले रहे होते हैं तो एक साथ आपके अंदर 25 सिगरेट के बराबर का धुआं हवा के रूप में अंदर जाता है। अब दिल्ली का वो सच सुन लीजिए जिसे सुनकर आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। सच ये है कि दीपावली के एक दिन बाद यानी 28 अक्टूबर को दिल्ली पूरी दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे प्रदूषित शहर था। अब आप सोचिए कि जहां करोड़ों की आबादी रहती है वहां ऐसे हालात हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, कहां है उनका सरकारी तंत्र, क्यों यहाँ के लोगों को मौत के मुंह में सुलाने की तैयारी हो रही है, ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। आपने दिल्ली के लोगों को बेवकूफ समझा है, शायद इसलिए आप पोस्टर लगाकर दिखा रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण 25% तक कम हो गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हकीकत जाननी है तो यहाँ के लोगों को देखिए वो कैसे तड़प रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि आप आखिर किस अनहोनी होने का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली में रहने वाले लाखों परिवारों के लोग कष्ट में रहे? आप छोटे छोटे बच्चों को सांस की बीमारी से जूझते देखना हुआ चाहते हैं क्या? हो सकता है मेरी अगली बात अरविंद केजरीवाल के चाहने वालों को बुरी लगे, लेकिन सच यही है कि केजरीवाल ने सब कुछ जानते हुए भी इस साल प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर उन्होंने ठोस कदम उठा लिया होता तो दिल्ली आज गैस चैम्बर न बनी होती। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। दिल्ली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।